नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले कुछ वक्त से नेपाल में अपने मंसूबा पूरा करने में लगे चीन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। चीन ने मोदी की खामोशी का फायदा उठाकर नेपाल के साथ एक नेक्सस तैयार कर लिया था, जिसके बाद पीएम केपी शर्मा ओली पूरी तरह चीनी में हो गए। लेकिन अब भारत ने नेपाल पर अपना शिकंजा सख्त करना शुरू कर दिया है। यह उसी शक्ति का असर है जिसके बाद नेपाली सरकार में भारत को खुश करने के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। चीन की जिस राजदूत हाओयांग की पर लगातार नेपाली सरकार में हस्तक्षेप के आरोप लगे हैं, अब जाकर नेपाल ने उसके पर कुतर दिए हैं। भारत के खिलाफ नेपाल को भड़काने में लगी हाओयांग की लगाम कसते हुए नेपाली विदेश मंत्रालय ने उसके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से सीधे मिलने पर रोक लगा दी है। इससे हाओयांग के मंसूबों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नेपाल के विदेश मंत्रालय ने विदेशी राजनयिकों के लिए नियम में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत अब कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट किसी भी नेता से सीधे मुलाकात नहीं कर सकेगा। इसके लिए दूसरे देशों की तरह एक तय प्रक्रिया और चैनल होगा। नेपाल के इस फैसले से चीन का माथा ठनक गया है, क्योंकि नेपाली पलड़ा फिर से भारत की तरफ झुकने लगा है। चीनी धोती छाप ओली द्वारा 15 अगस्त पर मोदी की रिक्वेस्ट का असर अब नेपाल की राजनीति में दिखने लगा है। ओली मोदी की बातचीत के बाद ही नेपाल की अकल ठिकाने आई है। उसके बाद भारत ने नेपाल में पाइपलाइन और नेपाली लोको पायलट को ट्रेनिंग देने के समझौते आगे बढ़ाए हैं। बड़ी बात यह है कि हर दूसरे दिन भारत के लिए धोती फाड़ने वाला ओली अब पूरी तरह खामोश हो गया है। उन्होंने अपने पिछले कर्तव्य को भुलाकर नए सिरे से भारत से रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली लगातार भारत के संपर्क में है। उन्होंने भारत नेपाल के रिश्तों को पटरी पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि चीनी राजदूत हाओयांग की को इन दोनों देशों में खटास लाने का जिम्मेदार माना जाता है। कुछ महीने से नेपाल में चल रहे सियासी संकट में उसने काफी हस्तक्षेप बढ़ा दिया था। यहां तक कि उसने सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं के अलावा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी तक से सीधी मुलाकात की थी। ओली की सत्ता को बचाने के लिए दिन रात एक करने वाली चीन की राजदूत हाओयांग की के खिलाफ नेपाल में सड़क से लेकर राजनीतिक गलियारों तक विरोध तेज हो गया था। खबर है कि भारत की तरफ से नेपाली विदेश मंत्रालय को विदेशी राजदूत के इस प्रकार के व्यवहार को लेकर आगाह किया था। इसे भारत और नेपाल के रिश्तों में कड़वाहट लाने वाली वजह भी बताया था, जिसके बाद नेपाल ने हाओयांग की सोच को बदसूरत करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। हाओयांग की कोई साधारण महिला नहीं है, उसका सीधा संबंध चीनी खुफिया एजेंसी MSS से रहा है। पाकिस्तान में काम कर चुकी हाओयांग की ने नेपाल के प्रधानमंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक को अपने इशारे पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। फर्राटेदार उर्दू बोलने में माहिर हाओयांग की नेपाल में भारत विरोधी एजेंडे को सेट करने में जुटी हुई थी। इस वुल्फ वॉरियर ने बेहद कम समय में नेपाल की सत्ता के गलियारों में अपनी पकड़ बनाई है। इसके लिए हाओयांग की ने अपनी खूबसूरती का भरपूर इस्तेमाल किया, साथ ही भ्रष्ट नेताओं को मोटा पैसा भी दिया गया। ऐसी चर्चा भी नेपाल में खूब चली, जिसमें ओली पर हाओयांग की से अतरंग संबंध के आरोप लगे हैं। ऐसा कहा गया कि इन्हीं संबंधों की आड़ में ओली को हाओयांग की ने ब्लैकमेल किया है और ऐसे बयान दिलवाए गए जिससे भारत के खिलाफ नेपाली जनता में नाराजगी बढ़ सकती थी। मगर हाओयांग की और ओली के इस प्रेम प्रसंग का पटाचेप जल्दी ही हो गया। भारत के सख्त रुख की वजह से नेपाल महंगाई और अराजकता की तरफ बढ़ने लगा था। लोगों को भारत से दुश्मनी का ओली मंत्र रास नहीं आ रहा था। ऊपर से ओली की कुर्सी पर भी संकट हद से ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद ओली को अपनी देश की जनता की याद आई। हाओयांग का निशाना केवल भारत ही नहीं था, बल्कि उसके एजेंडे में अमेरिका भी शामिल था। इसी चीनी राजदूत के इशारे पर ओली सरकार ने अमेरिका से मिलने वाली 50 करोड़ डॉलर की सहायता को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। दरअसल चीन को लग रहा था कि ओली ही वह ट्रुप का इक्का है जिन्हें नेपाल में भारत और अमेरिका के प्रभाव को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हनी ट्रैप का शिकार ओली हाओयांग के इशारे पर जहरीले बयान दे रहे थे। उनकी मंशा यही थी कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करके और कदम उठाकर चीन को खुश रख सके। इससे उन्हें अपनी सत्ता बचे रहने और हाओयांग की खूबसूरती का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा था। चर्चा तो यह भी है कि इस चीनी राजदूत ने चीन के कई प्रभावशाली नेताओं को हनी ट्रैप के जाल में फंसा है। यहां तक कि नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पूरनचंद थापा भी संदेह के दायरे में आ गए हैं। हाओयांग उनके साथ भी डिनर करती रही है। राष्ट्रपति विद्या देवी भी हाओयांग को स्पेशल डिनर पर बुलाती रही है। हैरानी की बात यह है कि इसकी जानकारी नेपाल के विदेश मंत्रालय तक को नहीं दी जाती थी। यानी चीन माया और स्वभाव के बल पर एक बड़ा खेल खेल रहा था। नेपाल के चंदयास और भ्रष्ट नेताओं की वजह से नेपाल की विदेश नीति में शून्यता बढ़ने लगी थी और वह दुनिया के बड़े देशों से छिटक कर चीन के जाल में फंसता जा रहा था। जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत इस तमाम घटनाक्रम से न केवल परिचित था, बल्कि देश की खुफिया एजेंसी भी नेपाल के नेताओं पर कड़ी निगाह रख रही थी।
यह नेता कब कहां जाते थे और किससे मिलते थे, उन कड़ियों को लगातार जोड़ा जा रहा था। बात को आज से 6 महीने पहले ही ओली और हायांकी के संबंधों की खबर लग गई थी। कोविड 19 के मद्देनजर सार्क की वर्चुअल मीटिंग से एक दिन पहले ही हायांकी गुपचुप रूप से ओली से मिली थी, बात को इसकी भी जानकारी मिल गई थी। बताया जाता है कि चीन की तरफ से इस मीटिंग में शामिल नहीं होने का ओली पर दबाव था, मगर नेपाली विदेश मंत्रालय के समझाने के बाद उनको अनमने भाव से मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। दरअसल चीन ऐसा करके भारत को कमजोर करना चाहता था। पीएम नरेंद्र मोदी सार्क की मीटिंग में एक प्रकार से अध्यक्षता कर रहे थे, जिससे भारत का प्रभुत्व साफ साफ झलक रहा था, मगर चीन की यह चाल बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाई। भारत सरकार चीन के हर पैतृक को बखूबी समझ रही है। मोदी कूटनीति में चीन के हर दाव की काट मौजूद है। जिस वक्त ओली और मोदी की टेलीफोनिक वार्ता हुई, उसमें ओली के सामने स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत को चीन नेपाल के संबंधों पर कोई ऐतराज नहीं है, मगर यह भारत को निशाने पर लेकर मजबूत किया जाए, इस पर कड़ी आपत्ति है। नेपाल अगर भारत से अपने रिश्तों को मधुर चाहता है तो उसे भारत विरोध के एजेंडे को त्यागना होगा। अगर नेपाल ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर भारत से मदद की उम्मीद बिल्कुल ना रखे। बताया जाता है कि पीएम ओली ने भारत के पीएम को साथ मिलकर दोनों देशों के विकास करने की बात दोहराई है। उन्होंने सभी विवादित मुद्दों को बातचीत से निपटाने और किसी भी मसले को सार्वजनिक बयानबाजी की बजाय कूटनीतिक तरीके से सुलझाने का भरोसा दिलाया है। वैसे यह जानना भी जरूरी है कि नेपाल ने पीएम मोदी से बात करने के लिए पिछले 2 महीने से जी तोड़ कोशिशें की थी। इसके लिए बीजेपी महासचिव राम माधव से लेकर आरएसएस के नेताओं तक की खुजामद की गई। खुद ओली भी अपनी सरकार को संकट में देखकर बातचीत के रास्ते तलाशते घूम रहे थे। बाद में नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने खुद किसी तरह भारत सरकार को इसके लिए राजी किया, और अब वही ग्यावली चीन को 9/11 करने के लिए कठोर फैसले ले रहे हैं। यानी नेपाली पीएमओ से ज्यादा वहां का विदेश मंत्रालय सक्रिय हो गया है। वैसे भी ऐसे मसलों में विदेश मंत्रालय के पास ही बड़ी पावर होती है। चीन ओली के भरोसे दांव चल रहा था, मगर नेपाल के विदेश मंत्रालय वह काम कर रहा है जो भारत के हित में हो रहा है। यूं भी कूटनीति पर छलनीति ज्यादा देर हावी नहीं रहती है, उसका अंजाम सदैव पराजय के रूप में ही मिलता है। चीन के साथ नेपाल में भी कुछ कुछ यही होने जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।